गर्मी के प्रकोप से थक कर चूर हुए ये बेजुबान जानवर हम इंसानों की तरह ना तो अपने हाल बयां कर सकते हैं और ना ही राहत पाने के लिए कोई सहारा ढूंढ सकते हैं। पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है और इसी गर्मी का शिकार ये बेजुबान जानवर भी हो रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में इन दिनों लू भरी हवाओं के साथ पारा चढ़ता ही जा रहा है। भीषण गर्मी की वजह से जयपुर स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों के बुरे हाल हैं। लगातार जारी गर्मी के इस थर्ड डिग्री टॉर्चर से जानवरों को बचाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इन गर्मियों में सिर्फ लू भरी हवाओं से बचना ही जरूरी नहीं बल्कि शरीर को भीतर से भी ठंडा रखना बेहद जरूरी है। प्रशासन द्वारा किए जा रहे इंतजामों के तहत टाइगर और पेंथर को जहां ठंडा दूध दिया जा रहा है तो वहीं भालू के लिए सत्तू और फ्रूट आइसक्रीम का इंतजाम भी किया गया है। अन्य वन्य जीवों के पिंजरों में कूलर लगा दिए गए हैं जिससे जानवरों को ठंडी हवा मिल सके। गर्मियों में जीवों का मेडिकल चेकअप भी 2 दिन में एक बार अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही इन्हें सुबह और शाम नहाने के लिए बंदोबस्त किया गया है ताकि सूरज की तपन से इन्हें बचाया जा सके। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इन दिनों पड़ती हुई प्रचंड गर्मी में वन्य जीवों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी जो वन्य जीव हैं खासतौर से लायन टाइगर पैंथर भालू आदि को जो एंक्लोजर में निकालने से पहले नहलाया जाता है। इनके जो एंक्लोजर्स हैं उसमें डिस्प्ले जो एरिया है उसमें रेनगन्स लगी हुए हैं, स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं और ड्रिपिंग सिस्टम है ताकि उसमें पूरे जो एंक्लोजर का जो एनवायरमेंट का जो तापमान है वो काफ़ी कम रहे और उनको गर्मी का एहसास नहीं हो। इसके अतिरिक्त अधिकतर वन्य जीवों की डाइट में भी विशेष परिवर्तन किए गए हैं। जैसे हमारे जो स्लॉथ बियर हैं उनको रूटीन डाइट के साथ साथ उनको हम जो का सत्तू दिया जा रहा है साथ साथ स्पेशली उनको फ्रूट आइसक्रीम स्लॉथ बियर्स में दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे हर्बीवोरस हैं हिरण प्रजाति के जो वन्य जीव हैं उसमें रिजका की मात्रा बढ़ाई गई है साथ साथ उनको खाने में विशेष तौर पर वाटरमेलन और खीरा दिया जा रहा है ताकि उसको वाटर कंटेंट आराम से मिल पाए। सभी वन्य जीवों के पानी में इलेक्ट्रॉल और ग्लूकोज रोटेशन से दिया जा रहा है ताकि किसी भी वन्य जीव में डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं। इसके अतिरिक्त सभी जो हमारे वन्य जीव हैं उनकी डिवॉर्मिंग कर दी गई है और उनका 24/7 मॉनिटरिंग किया जा रहा है साथ साथ उनको आवश्यक कैल्शियम विटामिन मिनरल्स लीवर टॉनिक एंटी स्ट्रेस और इम्यूनो मॉनिटर मेडिसिन लगातार दी जा रही है ताकि आने वाले दिनों में अगर जयपुर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है प्रचंड गर्मी पड़ती है तो कोई भी हमारा जो वन्य जीव है वो हीट स्ट्रोक की चपेट में ना आए। पैंथर चीतल बारासिंगा भालू लोमड़ी बबून को लू भरी हवाओं से बचाने के लिए इनके पिंजरों के बाहर गीली टंटियां और फव्वारे लगाए गए हैं। टाइगर और शेर के पिंजरों में फव्वारों के साथ ही कूलर की ठंडी हवा दी जा रही है ताकि पिंजरे और उसके आसपास का तापमान ज्यादा न बढ़े। जू परिसर में तापमान ना बढ़े इसके लिए यहाँ पिछले मानसून में पेड़ पौधे लगाए गए थे और अब छांव के लिए जगह जगह डिजाइनर टिन शेड भी लगाए गए हैं।